नीचे करो थोड़ा। आज नंबर चुंगी पे इंडस्ट्रियल एरिया सारा सभी फैक्ट्री वालों ने मिलकर जी आज भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यहाँ पर। और सभी ने मिलकर यही कहा है, जितने भी हमारे यहाँ वर्कर हैं या आसपास हैं, जितने भी जानकार हैं, सभी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का कार्य करेंगे। और सभी पिछले वाले उनसे जिन्होंने बताया भी कि भाई पिछले वालों ने कुछ भी काम ऐसे 10 साल हमारे बेकार गए, इसलिए हम ये चाहते हैं कि भाई केंद्र के अंदर जिसकी सरकार है उसी का ही विधायक बने तो हमारे काम जो है रुकेंगे नहीं, क्योंकि सभी दुखी हैं यहाँ पर। नरक जैसा माहौल बना हुआ है यहाँ पर, आते वक्त आपने भी देखा किस तरीके से नरक जैसा माहौल है, लोग परेशान हैं और आप ही का इंतजार कर रहे थे कि आप आएंगे तो परेशानी बताएंगे वो लोग। हाँ जी बिल्कुल 100% ये लोग परेशान हैं और मैंने इनको आश्वासन दिया है, मैं यहाँ से विधायक बनने के बाद अगर ये बनाते हैं तो मैं विधायक, अगर मौका मिलता है जी तो सबसे पहले जो है ना जितने भी इनकी छोटी ऐसी जो तो पीने के पानी की और उसकी निकासी, दूसरा इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर कई ऐसी परेशानियां मैंने देखी है तो इनकी सारी परेशानियां दूर करने का जो है इनको वादा किया है जी। मैं करूंगा, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं सबसे पहले इस एरिया की जितनी भी समस्याएं हैं उनको पूरा करने की। क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस चुनाव के लिए आपके पास? मुद्दे सबसे ज्यादा तो जो ना देखो जी पीने के पानी की मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो इंसान के जो ना हक भी है, अगर उनको सुविधाएं नहीं मिलेंगे तो किस चीज़ का फिर फायदा होगा राजनीति के, क्यों बनाएंगे किसी को करिए बढ़ाने का, तो मतलब जब इनकी सुविधाएं मिलनी चाहिए। हर एक राजनीति और ये जितने भी विधानसभा लोकसभा या पार्षद वो छोटी छोटी इनकी सुविधाएं जो उनको देनी चाहिए सभी को जी। तो अगर वो विधायक ने पिछले विधायकों ने कुछ भी ऐसा नहीं करा जो इनको बेचारों को दुखी करा, आपने देखा होगा कितना बुरा हाल है, ऊपर चढ़ के भी आए होंगे जी। जी। यहाँ सामुदायिक केंद्र बना था, इनके आज तक जो ना पलस्तर नहीं हुआ, 5 साल ही निकल गए, पिछले वाले ने भी जो ना सिर्फ ये खंडर बना के खड़ा कर दिया। इस तरीका से सबसे पहले जो इनकी मूलभूत सुविधा है उनको देने का कार्य करेंगे।